वैसे भनक लग चुकी थी कि आज डेकोरेशन का ही काम रहेगा, और भाई ने डेकोरेशन का ही काम निकाला है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज हम है डोंबिवली में। हितेंद्र का कॉल आया था मुझे जब मैं कॉलेज में था, तब उसने मुझे बुलाया, कुछ तो काम है बोला है। तो अभी देखते हैं वो क्या काम है और आगे पता चलेगा। अभी उसके घर पे ही जा रहा हूँ, तो देखते आगे क्या काम रहेगा उसका। शायद से मेरे को तो डाउट है कि वो डेकोरेशन का काम रहेगा। और एक बताना चाहता हूँ कि मैं डेकोरेशन भी करता हूँ, मैं और हितेंद्र मिलके। सो आपको कभी नीड होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और बता देना आप हमको इधर भी काम रहेगा तो ठीक है। तो अभी सीधा मिलते हितेंद्र के घर में, तो चलिए। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं हितेंद्र के घर पे, तो अभी देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पे डेकोरेशन का काम चालू हो चुका है। मेरे को वैसे भनक लग चुकी थी कि आज डेकोरेशन का ही काम रहेगा, और भाई ने डेकोरेशन का ही काम निकाला है। किसका बर्थडे बाय द वे? गाइज मेरा बहन का बर्थडे आज। सब लोग आ जाओ नांदिवली। बाय द वे ये ब्लॉग बर्थडे के बाद में तो आप देख सकते हो इस प्रकार अभी मैंने आके लगा दिया है। और अरे हमारे काकाश्री का आगमन हो गया है। इनके इनकी बेटी का बर्थडे आज, तो देखते हैं कैसा डेकोरेशन बनता है और आपको दिखाएंगे आगे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। हाफ डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा रिंग मारा हम लोगों ने। इसमें पिंक कलर है, वाइट है और पर्पल कलर है। ये हितेंद्र और मैंने मिलके बनाया है, और अभी आधा काम बाकी है, मतलब स्टैंड भी बनाने का है। और ये जो पूरा सेक्शन है ऊपर का, इधर छोटे छोटे बलून का एक सेट लगाने का है। पूरा डेकोरेशन होने के बाद आपको दिखाऊंगा कि कैसे डेकोरेशन किया हम लोगों ने, और आपको भी इस प्रकार ही। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। और आपको भी किस तरह डेकोरेशन चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताना। मैं डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर और डिटेल्स डाल दूंगा, तो आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हो डेकोरेशन के लिए। और हमारा फोटोग्राफी का भी बिजनेस है जो ये हैंडल करता है, और डेकोरेशन का मैं। तो हमारे दोनों जो बिजनेसेस है उसका नाम है, इसका क्या नाम है, द डार्क रूम फोटोग्राफी और द डार्क रूम डेकोरेटर्स। और हमने अभी फिलहाल थोड़ा टाइम हुआ है कि हम लोग ने वो पायरो भी चालू किया है जो गणपति के आगमन में यूज़ होता है। उसका भी इसको नीड रहेगी तो हमको ज़रूर बताना, हम लोग अवेलेबल करके देंगे वो भी सस्ते दाम में। सो कुछ रहेगा तो कमेंट में ज़रूर बताना।
Stop it. Get some help. तो अभी हमारा डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है, आपको दिखाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो कांटेक्ट करना, दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर देना। मैं प्रोफेसर से ज़्यादा मैं गरीब हूँ। नहीं नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ इसलिए मैंने यूट्यूब चालू किया है। ओके, बाय द वे इसका भी चैनल है HN प्रोडक्शन करके, उसको भी जाके सब्सक्राइब करो। उस पे हम दोनों का पहले वाला ब्लॉग्स है जिसमें वो हमारा सीरीज है, मतलब हम लोग कैसे एक साल बाद ब्रेक लेके हम लोग ऐसा डालते हैं, हर साल गणपति आते हैं, हर साल हम शूट करते हैं, हर साल डालते हैं। पिछले साल से हम लोगों ने शुरुआत की थी और अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इस बार हम लोग थोड़ा ट्राई करेंगे कि मुंबई का गणपति कैप्चर करने का, देखेंगे। थोड़े बहुत बड़े हस्ती से मिलने गए हमें, गिरगांव के हस्ती और वो निशान नागरे काका हमारे। तो देखते हैं हम लोग, गणपति का सीरीज आपको उसके चैनल पे दिखाई देगा और अपना डेली व्लॉग्स तो मेरे चैनल पे रहता ही है, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत ज्यादा हमें भी प्यार मिले और आपके प्यार की वजह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो डाल सके। हमें आप बोलते ना, एनकरेज करो, यस यस, प्रोत्साहन दो हमें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना, प्रोत्साहन हमें, प्रोत्साहन दो। वीडियो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि कट हो रहेगा स्टोरेज की वजह से। हमारे हितेंद्र सरकार कार्ड लाना भूल गए, जो जिसमें हम फोटो निकालने वाले थे, और अभी मैं इस घने बारिश में अंधेरे रास्तों में, आप देख सकते हो, जा रहा हूँ कार्ड केस लाने के लिए। क्या बोलेंगे अभी, लापरवाही बोलते हैं इसको। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखते हैं अभी क्या होता है। एक बंदा आ रहा है कार्ड केस लेके, उससे और कार्ड केस लेके जाते हैं। चलो हैप्पी बर्थडे।